सर्दियों के इख्तिताम पर बहार ने अपना रंग जमा लिया था। उसके बावजूद उसके अंदर की उदासी कम हो रही थी, ना ही उलझन। दादी की बातें उसे अपने हिसार से निकलने ही नहीं देती थी, और कोई सिरा ऐसा नहीं था जिसे थाम कर वो नफ़ी करता, और फ़ोन पर अम्मी से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं कब तक खुद से उलझता रहूँगा, वो सोचने लगा। मुझे नानी की बात की तस्दीक अम्मी से करनी होगी। आखिर ऐसा क्या था जो नानी ने ये बात की कि मैं इस घर में तुम्हारी माँ की तरह कोई और हिस्सा बनने नहीं दूंगी। कौन सा हिस्सा है जो अम्मी से मंसूब है और जिससे मैं बेखबर भी हूँ? उसने उस वक्त नानी से बहुत पूछा था, लेकिन वो अपनी बात कहकर सिर्फ उसे घर से जाने पर जोर देती रहीं। और जब उसने ज़िद में आकर ना जाने की कसम खाई, तब नानी ने उसे उसकी मोहब्बत की कसम देकर मजबूर कर दिया था। गोया ये जता भी दिया कि वो किसी बात से बेखबर नहीं है। उसके बाद उसका वहाँ ठहरना मुमकिन नहीं रहा था, इसीलिए अपना मुख्तसर सामान लेकर वहां से निकल आया था। जिंदगी में पहली बार उसने दिल की बाजी खेली थी, और जहां खेली वो कोई गैर भी नहीं थी, लेकिन इन अपनों ने उसके साथ गैरों जैसा सलूक करते हुए उसे घर से ही बेदखल कर दिया था, और वो भी एक अनजान शहर में। गो के वो पहली बार इस शहर में नहीं आया था, मैट्रिक के बाद जब आया तो नानी के घर तक ही महदूद रहा था, इसलिए अब पहले पहल तो वो रास्तों से ही अनजान था, और अब जब रास्तों से पहचान हुई तो अपनों ने दरबदर कर दिया। एक दो बार वो दिल के हाथों मजबूर होकर इफ्रा से मिलने यूनिवर्सिटी भी गया, लेकिन वो कहीं नज़र ही नहीं आई, जिससे वो ये समझने लगा कि नानी ने उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया होगा। ये सोचने में वो हक बजानिब था, क्योंकि इफ्रा और सैरिश पर नानी की बेजा पाबंदियां वो देख चुका था। बहरहाल अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अपने माँ बाप को अपनी मोहब्बत से आगाह करे, ताकि वो इस सिलसिले में पेशरफ्त करें, क्योंकि ये तो तय था कि उसे शादी इफ्रा से ही करनी थी। वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस नहज पर सोचते हुए उस वक्त उसे एक दरख्वास्त टाइप करने की जरूरत महसूस हुई। फिर छुट्टी मिलते ही वो पहली फ्लाइट से मुल्तान पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसे धचका लगा था। अब्बू बरसों के बीमार लग रहे थे, और उनकी तीमारदारी में अम्मी बेहाल नज़र आ रही थीं। क्या हुआ है अब्बू को, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं उसी वक्त आ जाता, वो अम्मी पर बिगड़ने लगा तो अब्बू हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हारी अम्मी तो कहती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था कि तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं। क्यों अब्बू, और कौन है आपका, चले उठे, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बेटा अभी आए हो, आराम कर लो, कल दिखा देना डॉक्टर को, अब्बू ने कहा, तो वो सर झटक कर उन्हें उठने में मदद करने लगा। अम्मी खुद भी यही चाहती थी, जब ही चुपचाप देखती रहीं। दो दिन के बुखार ने उस पर कमज़ोरी और निखाहत तारी कर दी थी। अभी भी वो मुंदी मुंदी आँखों से सैरिश को देख रही थी, जो उसके लिए सूप और स्लाइस लेकर आई थी। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, उसने आंखों पर बाजू रख लिया, आप अब प्लीज़ थोड़ा सा खा लें, वरना मीर जान भाई भी भूखे रह जाएंगे, सैरिश ने कहा तो वो तलखी से बोली, उसे मेरी भूख प्यास की परवाह होती तो एक बार मेरी खैरियत मालूम करने ज़रूर आता। ना उम्मीदी छोड़कर अल्लाह से उम्मीद बांध ले आपा, इस यकीन के साथ कि मोहब्बत के रास्ते में हायल तमाम दीवारें गिर जाएंगी। सैरिश की बात पर वो उसे देखने लगी, बस एक स्लाइस फिर ये सूप पी लें। सैरिश ने उसका बाजू थाम कर उसे उठाया और फिर ट्रेस के सामने करके देखा तो वो जाने किन सोचों में गुम थी। क्या सोचने लगी आपा, वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। आप ना बताएं, मैं आपका चेहरा पढ़कर बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। सैरिश गालिबन उससे बातें करना चाह रही थी कि दो दिन से वो बुलाई बुलाई जो फिर रही थी। अच्छा ये ट्रे हटाओ, मैं सूप पी लूँगी। उसने ट्रे में से सूप का मग उठाया तो सैरिश ट्रे को साइड टेबल पर रख कर उसके करीब खिसक आई।
पता है आपा, छोटी पुप्पो हमें अभी से बुलाने पर दादी से बहुत इसरार कर रही हैं। कल उन्होंने जवाद भाई को भी भेजा था लेकिन दादी ने मना कर दिया। फिर फ़ोन पर पुप्पो को भी बहुत बातें सुनाई। सहरिश आवाज़ दबा कर बोल रही थी, दादी इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाती हैं हम पर? अगर अम्मा अब्बा हयात होते तो हम भी औरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं ना। खैर, दादी जो करती हैं हमारे भले के लिए ही करती हैं। वो सहरिश को आज़र्दगी से निकालना चाहती थी, वरना उसका भी दिल चाहता था कि वो अपनी कज़न्स और यूनिवर्सिटी फेलोज़ की तरह सबसे मिले जुले। गो के अम्मा अब्बा की ज़िंदगी में भी पाबंदियाँ थीं लेकिन इस हद तक नहीं थी। शायद दादी आ रही हैं। लॉबी में आवाज़ सुनकर सहरिश फ़ौरन पीछे खिसक गई। तब दादी के साथ छोटी पुप्पो को अंदर आते देख कर वो उठने लगी थी कि दादी ने रोक दिया। बैठी रहो तुम, कुछ खाया भी है कि नहीं? जी, अस्सलामुअलैकुम पुप्पो, उसने दादी को जवाब देने के साथ पुप्पो को सलाम किया। तब सहरिश एकदम उठकर उनसे लिपट गई। कैसी हैं पुप्पो, आए यहाँ बैठे। बैठ जाऊंगी, पुप्पो कहते हुए इफ्रा के करीब आ गई और उसका चेहरा हाथों में लेकर कहने लगी, अम्मा बता रही हैं कि तुम कई दिनों से बुखार में हो। हाय, रंगत भी कैसी पीली हो गई है, क्या हो गया है मेरा बच्चा? अब देख लिया अपनी आंखों से, खामा खा अपने घर लेकर जाने का कह रही हो? शादी का घर है, वहाँ कहाँ बच्ची को आराम मिलेगा, दादी ने जताते हुए फुप्पो से कहा तो वो भी उन्हीं के अंदाज में गोया हुई। अम्मा एक ही जगह बंदा रह कर भी उकता जाता है, बीमार हो जाता है, तब्दीली मिलेगी तो ठीक हो जाएगी। खाक ठीक होगी लेकिन ऐसी हालत में उसे कहीं नहीं भेजने की। मैं कहीं की नहीं, अपने घर की बात कर रही हूँ। दोनों अभी मेरे साथ चलेंगी, चलोगी ना बेटा? पुप्पो बहुत प्यार से उससे पूछ रही थी और वो दादी की शोला बार निगाहों से खाइफ हो गई। मैं ठीक हो जाऊं पुप्पो, फिर आऊंगी, वो रुक रुक कर खुद से कहने लगी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, भली चंगी हो जाएगी फिर मैं खुद ले आऊंगी दोनों को। जल्दी लेकर आइएगा अम्मा, ये नहीं कि बारात रुखसत हो जाए तब आप आ रही हूँ, पुप्पो कहते हुए उठ खड़ी हुई। फिर सहरिश की थोड़ी छूकर पूछने लगी, तुम कैसी हो मेरी गुड़िया? सहरिश मुस्कुराने की कोशिश में नाकाम हुई। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा बेटा, तुम आराम करो। पुप्पो ने पलट कर उसके सर पर हाथ रखा, फिर दादी के साथ कमरे से निकल गई तो सहरिश तेज़ी से उसके पास आ बैठी। क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि मैं फिर आऊँगी, तो और क्या कहती? उसने बज़ाहिर मासूमियत से पूछा। तैयार हो जाती फौरन, ईमान से इतना अच्छा मौका गवा दिया। पड़ी रहे आप बीमार जितने दिन मर्जी, मैंने कोई खिदमत नहीं करनी अब, सहरिश झंझला कर कहती हुई उठ गई। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई, फिर तकिया सीधा करके लेट गई। अफसोस तो उसे भी था लेकिन वो क्या करती, दादी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं कर सकती थी। कुछ भी था, एक वही तो थी इन दोनों का साहिबान, बाकी सब रिश्ते तो बस दूर की मोहब्बत के थे। वरना उनके माँ बाप के इंतकाल पर फुप्पियाँ या ताया भी उनके सर पर हाथ रख सकते थे। बस कुछ ही दिन सब ने दिलजोई की, फिर सब अपने अपने घरों को सुधार गए और ये दादी ही थी जो उन्हें सीने से लगाए हुए थी। फिर वो उन्हें कैसे नाराज कर सकती थी, भला उस वक्त वो गैर जानिबदारी से सोचते हुए जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। सुनो, मुझे याद भी करती हो, कहीं कोई और पूछ रहा था? उसने चौंक कर आँखें खोल दीं, धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। बेताबी से इधर उधर देखते हुए उसके होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की, मीर जान। तभी सहरिश चाय के साथ उबला हुआ अंडा लेकर आई तो वो अपने पीछे तकिया सीधा करके बैठते हुए बोली, अब तो मैं ठीक हूँ, फिर तुम ये तकल्लुफ़ क्यों करती हो? खाक ठीक है, कितनी कमज़ोर हो गई हैं। सहरिश ने अंडा उसे थमाते हुए कहा तो वो खामोश हो गई, फिर कुछ रुक कर पूछने लगी, सुनो मीर जान आया था अभी? आपके ख्वाब में आए होंगे, सहरिश झंझलाई। बस करें आपा, क्यों आपने उन्हें जहन पर सवार कर लिया है? जब उन्हें आपकी परवाह नहीं तो आप भी भूल जाएं, मत याद किया करें उन्हें। ये मेरे इख्तियार में नहीं, वो आज़िरदगी में घिरने की गई तो सहरिश फौरन बोली, अच्छा मैं आपको बताऊं, मीर जान भाई मुल्तान चले गए हैं। तुम्हें कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। दादी और फुप्पो की बातों से।
सहरिश के जवाब पर वो गहरी सांस खींच कर रह गई। दिल का बोझ कुछ कम हुआ था ये सोचकर कि वो अपनों में लौट गया है। चलें, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझे जहां रापी की शादी में ज़रूर जाना है, सहरिश कहते हुए कमरे से निकल गई तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी।